अब कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास डिफरेंशिएशन को लेकर के। सबसे पहला रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट जैसे क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं, कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी होते हैं, ABC वगैरह, तो इनका डेरिवेटिव जीरो आता है। सेकेंड हमारे पास है कि अगर हमने किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से गुणा कर रखा है और हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रह जाता है और इस फंक्शन को आ जाता है डेरिवेटिव। एक हमारे पास है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं उनका सम है और फिर हमने डेरिवेटिव करना है तो वो क्या होगा, दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव करके हम फिर से सम कर देंगे। अगर ये माइनस में है तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। हमारे पास फंक्शन दे रखा है f(x) = 1 + x√x / x^3। ये स्टेटमेंट दे रखी है तो इसका डेरिवेटिव वैसे तो हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको आप ऊपर ले जाओ, ये तो पावर है 1/2 और ये पावर हो जाएगी ऊपर जाके -1/3, तो ये पावर को भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर 1 + x × x^2 − 1/2 − 1/3 करेंगे तो आएगा 1/6। आप एलसीएम लेकर के भी इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर अंदर गुणा कर दे तो देखिए क्या बनता है, x^1/6 प्लस में x^, यहाँ पे पावर 1 है, 1 और 1/6 को ऐड करोगे तो आएगा 7/6। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो हमें आसान लगेगा। अब तो x^1/6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/6, पावर आगे आ गई, x की पावर हो जाएगी, इसमें से घटा दो तो -5/6, ऐसे ही इसमें 7/6 पावर आगे आ गई और x^ बचेगी 1/6, तो ये आंसर आ गया। अब 8.2 में सेकंड का सेवंथ पार्ट है f(x) = √x + 1/√x^3। तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए x^1/2, इसको लिखेंगे हम x^-1/2 और इसकी पावर 3। अब इसकी पावर 3 करने का हमारे पास फॉर्मूला है कि जैसे अगर a + b^3 होता है तो वो होता है a^3 + 3a² + 3ab² + b^3। तो वही रूल इस पे लगाते हैं तो f(x) की वैल्यू बनती है x^1/3^3 प्लस में 3 × a² यानी x^1/2² और ये भी एज इट इज यानी x^-1/2 प्लस में 3a, a यानी x^1/2 और b² यानी कि x^-1/2² प्लस में b³ यानी x^-1/2³³ बन गया x^+3 x^1/2 तो x की पावर 1 रह गई और ये x^-1/2 + 3 x^+1/2 और ये x^-1 रह जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गए, प्लस में x^-3/2 यानी ये x, अभी देखिए इसमें ना x^1 है और यहाँ पर -1/2 तो x^ बन गई +1/2, ऐसे ही इसमें 1/2 ये -1 है तो ये बन गई x^-1/2 और ये प्लस में x^-3/2। अब देखिए अब डेरिवेटिव करना आसान हो गया हमारे लिए, x^-3/2 आगे लिया, x^ बच गई 1/2, 1 घटा के, ऐसे ही 3 1/2 x^-1/2 बच गई, प्लस में 3 -1/2 x^-3/2 बच गई और प्लस में -3/2 और x^-5/2 बच गई। अब इसको लिख दिया 3/2 x^-1/2 प्लस में 3/2 x^-1/2 -3/2 x^-3/2 और -3/2 x^-5/2। अब एक क्वेश्चन है नंबर 3, इफ z = 6t^4 − 3t² + 6t + 9 फाइंड dz/t एट t = 2। इसमें क्या करना, हमने पहले डेरिवेटिव करेंगे फिर t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए dz/dt निकालते हैं तो वो डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर आगे आ जाएगी 4 और पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस में 3, ये 2 पावर आगे और t की पावर आएगी 1, प्लस में 6, t का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा और 9 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है।
यानी ये आ गया 24t³ माइनस में 6t प्लस में 6। अब ये कह रहा है कि t के बदले 2 लिखनी है तो 2 रख दो, तो ये 24, ये 2 की पावर 3 माइनस में 6 × 2 प्लस में 6, 24 × 2 की पावर 3 होता है 8, 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12। अब 24 + 192 माइनस में ये माइनस 12 प्लस 6 हो गया माइनस का 6, अब इसमें से घटाएंगे तो यह बचेगा 186। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि y = x + 1/x शो दैट x²dy/dx माइनस में xy + 2 = 0। तो बड़ा इजी है, अपने डेरिवेटिव कर लो, dy/dx = x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1। अब ये है 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक तरह से, देखिए x⁻⁻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 ⁻
कुल मिला के ये आ गया 1 - 1/x2। आप करना क्या है, देखिए ये कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर को गुणा करना है, तो गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वेयर से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 - 1/x2, इसको अंदर गुणा करो तो एक्स स्क्वेयर, इसकी करी तो हमारे पास आ गया 1। अब नेक्स्ट क्या है, माइनस एक्स वाई, तो वाई को एक्स से गुणा कर दो, तो एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1/x, एक्स की एक्स से करी तो आया एक्स स्क्वेयर, इसकी एक्स से करी तो आया 1। अब और क्या है, 2 है, तो हमने तीनों को लेके चलना है, तो देर फोर एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स वाई और प्लस में 2। अब देखो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1, माइनस में है एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने, और प्लस में है 2। तो देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 1, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 जीरो आ गया, तो यानी कि ये जो साइड थी हमारे पास इस जीरो के बराबर आ गई, यानी कि प्रूव हो गया, तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड।